स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता जया पांडे। आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान पर खबरों का स्पेशल शो छेका छक्का, जहां हम आपको दिखाएंगे दिन भर की छह बड़ी खबरें। यहां पर बाउंसर पर लगेगा सिक्सर, वो भी खबरों के तूफानी अंदाज में। तो चलिए पहले फटाफट आज की छह बड़ी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन सी खबरें हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो महाराष्ट्र सरकार में टेंशन है, डूंगरपुर में डरावना प्रदर्शन हुआ है और इसको लेकर भी हम आप तक पहुंचाएंगे पूरी खबर। खूनी वार और बीच बाजार, लव जिहाद का खूनी अंजाम, 500 रुपए के लिए महापाप, इस पर भी होगी पूरी चर्चा। और आईपीएल का धमाका, किंग्स वर्सेस रॉयल्स, यानी कि आईपीएल की पूरी खबर, पूरा अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे छेका छक्का में। तो आज की ये है बड़ी खबरें। तो महाराष्ट्र के सियासत को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इस बीच संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस के बीच हुई बैठक की खबरों के बाद महाअघाड़ी गठबंधन में भूचाल आ गया है। जी हां, एक खास मुलाकात हुई है और इस मुलाकात ने कईयों की नींद उड़ा दी है। बताया जा रहा है कि शरद पवार इस कथित बैठक से खासे नाराज हैं। कुछ देर पहले पवार और सीएम उद्धव ठाकरे के बीच बैठक हुई है। बैठक अब खत्म हो गई है, एक घंटे तक लगभग ये बैठक चली है और उद्धव ठाकरे से कहा कि तीनों पार्टी के नेताओं को ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे महाविकास अघाड़ी सरकार पर असर हो, सरकार पर सवाल खड़े हों। और हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जानना चाहेंगे आपसे इस मुलाकात के बाद कितनी ज्यादा परेशानी, कितनों की नींद उड़ी हुई है। देखिए, अगर हम बात करें तो देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कयासों का बाजार इस वक्त जोर पर है, क्योंकि आपको बता दें सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि इस मुलाकात से एनसीपी और कांग्रेस जो है नाराज है, जिसकी वजह से आज एक मीटिंग हुई जिसमें महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बाला साहब थोरात मौजूद थे। हालांकि इस मीटिंग को बताया गया कि मीटिंग किसी दूसरे रीजन की वजह से थी, लेकिन आपको बता दें जो हमें सूत्रों द्वारा जानकारी मिल रही है वो ये है कि हाँ। मीटिंग को लेकर अपनी बातें जो रखी गई उसमें शिवसेना की तरफ से पक्ष रखा गया, क्योंकि संजय राउत ने आज खुद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे विचार भी जो है बीजेपी से है, कोई देवेंद्र फडणवीस हमारा दुश्मन नहीं है, विरोधी पक्ष नेता है, सम्मानित नेता है। शब्दों के जो स्वर है वो पूरी तरीके से शिवसेना के बदल गए हैं और राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव होता है। तो ऐसे में कयासों का बाजार जोर पर है। हालांकि एनसीपी कांग्रेस की तरफ से भले ही खुलकर तो कुछ कहा नहीं जा रहा है, लेकिन ये दिखाया जा रहा है कि बिल्कुल, लेकिन इस तरह की मुलाकात मध्य प्रदेश में भी हुई थी और उसके बाद सियासी हलचल काफी तेज हुई थी और बहुत कुछ वहां भी सियासत में बदल गया था। बहुत बहुत शुक्रिया नित्यानंद जानकारी देने के लिए। डूंगरपुर में आदिवासियों का विरोध आज चौथे दिन भी जारी है। पुलिस की फायरिंग में आज एक शख्स की मौत हो गई और पांच प्रदर्शनकारी जख्मी हो गए। हालांकि सरकार की कोशिशों के बाद फिलहाल हालात सामान्य होने की बात कही जा रही है, लेकिन लोगों के मन में डर अब भी बरकरार है। देखिए, नहीं थम रही है डूंगरपुर की हिंसा। गोलीबारी में एक आदिवासी की मौत, कई घायल। डूंगरपुर के उदयपुर के झाडोल तक पहुंची आंच। पुलिस और आदिवासियों के बीच का संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। रात को आंदोलनकारियों ने पूरे खेरवाड़ा इलाके को घेर लिया और कई होटल और मकानों में आग लगा दी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें 17 साल के तरुण आहारी नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि करीब 5 लोग घायल हो गए।
बताया जा रहा है कि आदिवासी आंदोलनकारियों ने 20 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा इलाका अपने कब्जे में ले लिया है। पिछले 60 घंटे से उदयपुर अहमदाबाद हाईवे बंद है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र से रैपिड एक्शन फोर्स मांगी है। देर रात जयपुर से विशेष विमान से सीनियर पुलिस के अधिकारी डीजी कानून व्यवस्था आईपीएस लाठर, जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव और एंटी करप्शन ब्यूरो में एडीजी दिनेश एमएन को उदयपुर भेजा गया। पंचायत चुनाव रद्द, इंटरनेट बंद। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर में धारा 144 लगाते हुए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और पूरे उदयपुर संभाग में रविवार को होने वाले पंचायत चुनाव भी रद्द कर दिए गए हैं। क्यों झुलस रहा है डूंगरपुर? 2018 में शिक्षक भर्ती में आदिवासी क्षेत्र के लिए 5431 पद पर भर्ती निकली। भर्ती में सामान्य वर्ग के लिए 2721 पद थे। एससी और एसटी के छात्र 36% नंबर लाकर पास। सामान्य वर्ग के छात्रों को 60% नंबर लाना जरूरी था। सामान्य वर्ग से 1554 छात्र ही 60% नंबर ला पाए। सामान्य वर्ग की ज्यादा कट ऑफ होने के चलते 1167 पद खाली रह गए। सामान्य वर्ग की खाली 1167 सीट पर आदिवासियों ने ठोका दावा। 60% नंबर की अनिवार्यता को भी खत्म करने की मांग। हाईकोर्ट ने 60% अंकों की अनिवार्यता को जारी रखा, तभी से विरोध कर रहे हैं आदिवासी। डूंगरपुर हिंसा मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की हालातों की समीक्षा। प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा, कोई भी हाथ में ना ले कानून। न्यायोचित मांगों पर विचार के लिए सरकार हर समय तैयार है। उधर खेरवाड़ा पंचायत समिति में भी एक सर्वदलीय बैठक हुई। पूरे सारे जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र के आए हैं, चाहे लोकसभा सदस्य दोनों अर्जुन जी मीणा, कनकमल जी कटारा, हमारे पूर्व सांसद भी हैं, पूर्व मंत्री जी भी हैं, सारे विधायक भी हैं। इसलिए हम आज कह सकते हैं कि हम शांति वार्ता के माध्यम से पूरे क्षेत्र में शांति बनाए। लगातार बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश चल रही है। इस बीच कई और इलाकों में भी तनाव फैल गया है, जिसके चलते यात्रियों को काफी मुश्किल हो रही है। इस हिंसा में अब तक सैकड़ों पुलिस वाले और स्थानीय लोग घायल हो चुके हैं। एक शख्स की मौत हो चुकी है और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीमी। और अब बात करेंगे बीच बाजार खूनी वार की। दिल्ली में सरेआम दो लोगों पर जानलेवा हमला हो गया। सीसीटीवी में दर्ज हुई खौफनाक वारदात को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस के दो जवानों ने यहां न सिर्फ घायलों को बचा लिया बल्कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। देखिए रिपोर्ट। सीसीटीवी तस्वीरें दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके की हैं। चाकुओं और दूसरे असलहों से कुछ शख्स जिन दो लड़कों को मार रहे हैं, उनके नाम गौरव और प्रेम सागर हैं। वहीं दोनों हमलावर पास ही एक ढाबा चलाते हैं, जिन्होंने बीच बाजार गौरव और प्रेम सागर पर जानलेवा हमला कर दिया। चाकुओं से गोद कर इन दोनों को कत्ल करने का प्लान था, लेकिन तभी मददगार बनकर पहुंच गए दिल्ली पुलिस के दो बहादुर जवान। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में तैनात हेड कांस्टेबल दामोदर और कांस्टेबल विजय ने कल रात को 9:15 बजे एक बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया और एक युवक की जान बचाई। दरअसल दोनों घायल लड़के आरोपियों के ढाबे पर रात को खाना लेने पहुंचते थे, लेकिन किसी बात पर विवाद हो गया और दोनों वहां से लौट आए। ये दोनों लड़के अपनी गली में खड़े होकर कुछ और लोगों से बात कर रहे थे। इस बात से बिल्कुल अनजान कि ढाबे के मालिक भाई हाथों में चाकू और दूसरे हथियार लिए इनकी जान लेने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं। दोनों घायलों की किस्मत अच्छी थी कि बीट पर तैनात हेड कांस्टेबल दामोदर वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने लाठी के दम पर हथियारबंद गुंडों से लोहा लेना शुरू कर दिया। तुरंत ही उनकी मदद के लिए कांस्टेबल विजय भी पहुंच गया और दोनों ने दो आरोपियों को धर दबोचा। तुरंत दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो खतरे से बाहर हैं। लगातार नीलेश और आकाश उनको मारे जा रहे थे। इतने में हमारा पेट्रोलिंग स्टाफ जो बगल से गुजर रहा था, उन्होंने शोर शराबा सुना। हेड कांस्टेबल दामोदर और कांस्टेबल विजय ने तुरंत बीच बचाव किया। उनके पास लाठी थी,
उन्होंने बगैर किसी परवाह के इंटरवीन करके उनको अलग किया, दोनों एक्यूज्ड को अप्रीहेंड किया, वहां अपने कब्जे में लिया, इंजर्ड को हॉस्पिटल पहुंचाया, इंजर्ड गौरव की जान बच गई। दिल्ली में मामूली सी बात पर जान लेने की कोशिश की ये तस्वीरें बता रही हैं कि दिल्ली का दिल कितना छोटा होता जा रहा है। अस्पताल में दो जिंदगियां तड़प रही हैं और जेल में बंद दो भाइयों का भविष्य बर्बाद हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में लव जिहाद की भेंट चढ़ गई एक और हिंदू लड़की। मुस्लिम लड़के ने पहले उसे हिंदू बनकर फंसाया, फिर शादी की और फिर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये मामला वाकई डराने वाला है। लव जिहाद का खूनी अंजाम। राजकुमार बनकर आसिफ ने फेंका जाल। पहले दिल लिया, फिर कत्ल किया। यूपी में लव जिहाद के खूनी अंजाम की एक और तस्वीर सामने आई है। सिविल लाइन्स थाने में रात में एक युवती की गोली लगी लाश मिली थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। पुलिस की कई टीमें जांच में लगकर रात भर भागदौड़ करती रहीं। धीरे धीरे सुराग हाथ लगी और फिर पुलिस कातिल तक पहुंच भी गई। तस्वीर में नजर आ रहा ये शख्स आसिफ है, लेकिन इलाके की दलित लड़की को प्रेम जाल में फंसाने के लिए इसने हिंदू नाम राजकुमार रख लिया। इसके बाद धीरे धीरे ये दलित लड़की से दोस्ती बढ़ाता रहा। लड़की जब पूरी तरह इसके जाल में फंस गई तो इसने उससे शादी कर ली। लड़की का भाई लगातार इस रिश्ते का विरोध करता रहा, लेकिन लड़की को जब तक इस शख्स की असलियत पता चली तब तक काफी देर हो चुकी थी। शादी के बाद लड़की को पता चला कि आसिफ पहले से भी शादीशुदा है। जिहाद के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला बदायूं का है, जहां पे एक लड़की के कत्ल के पीछे भी मामला लव जिहाद का निकला है। एक मुस्लिम युवक आसिफ ने एक दलित लड़की को प्यार के जाल में फंसाया, फिर शादी के महज 1.5 साल के अंदर ही उसका कत्ल कर दिया। राजकुमार बने आसिफ ने शादी के बाद से ही लड़की पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। इतने से भी जब उसका दिल नहीं भरा तो उसने लड़की को मारने का एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया। उसने लड़की से कहा कि तुम्हारा भाई हमारे रिश्ते के खिलाफ था, मैं उसे फंसाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ में गोली मारूंगा और पुलिस के सामने तुम अपने भाई पर इल्जाम लगाना। लड़की को पता था कि उसके पास इनकार करने का कोई रास्ता नहीं है, वो तैयार हो गई। आसिफ अपने दोस्त के साथ मिलकर लड़की को सुनसान जगह पर ले गया और फिर वहां हाथ में गोली न मार कर उसे सीधे कत्ल कर दिया। प्लान फुल प्रूफ जरूर था, लेकिन पुलिस आखिरकार हत्यारे तक पहुंची गई। पुलिस के सामने शातिर ने कत्ल की वजह को पारिवारिक कलह का नाम दिया है। 2 दिन पहले ही यूपी के सोनभद्र जिले में एक सिरकटी लाश के खुलासे में भी लव जिहाद का एंगल निकला था, जिसमें एजाज नाम के शख्स ने प्रिया नाम की लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उससे शादी कर ली थी। लेकिन लड़की ने जब मुस्लिम धर्म अपनाने से इनकार किया तो एजाज ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बेरहमी से उसका सिर काटकर उसकी हत्या कर दी। यूपी में लगातार लव जिहाद के नाम पर युवतियों के कत्ल करने के मामले सामने आ रहे हैं। ज्यादातर मामले में हिंदू लड़कियों को नाम बदलकर मुस्लिम लड़के पहले अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं और भरोसा कायम होने के बाद उनसे शादी कर लेते हैं। इसके बाद कभी जबरन धर्म परिवर्तन तो कभी विरोध के चलते इन लड़कियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। राजस्थान के भरतपुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना घटी है। एक गर्भवती महिला ने अस्पताल के गेट पर ही बच्चे को जन्म दिया। दरअसल इन्हें वक्त पर अस्पताल के अंदर नहीं जाने दिया गया, जाने क्या थी वजह। ये राजस्थान के भरतपुर में महिला अस्पताल की तस्वीरें हैं। पूरा वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि इसमें मातृत्व का अपमान हुआ है। एक महिला को अस्पताल के गेट पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। आप इसकी वजह जानेंगे तो अफसोस और गुस्से से भर जाएंगे। अस्पताल कर्मियों ने गर्भवती महिला को वक्त रहते अस्पताल के अंदर नहीं लिया, लिहाजा उसने गेट पर डिलीवरी कर दी। इसके बाद नवजात फर्श पर गिर पड़ा और इस दौरान बच्चा का नाभि भी नाल से जुड़ा रहा। मौके पर जब लोग इकट्ठा हो गए तो अस्पताल प्रशासन ने जांच की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। दरअसल एक गर्भवती महिला की हालत को देखते हुए महिला अस्पताल भरतपुर के लिए रेफर किया गया। घरवाले प्रसूता को लेकर एम्बुलेंस से यहां आए, जिसके बदले एम्बुलेंस कर्मी ने 500 रुपये मांगे।
एम्बुलेंस ड्राइवर पर आरोप है कि उसने काफी देर तक प्रसूता को एम्बुलेंस से उतरने ही नहीं दिया। घर वालों ने जब उसे 500 रुपए दे दिए तब जाकर उसने रास्ता छोड़ा। अस्पताल के गेट तक पहुंचते पहुंचते काफी देर हो चुकी थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने महिला को अंदर नहीं लिया। आखिरकार प्रसूता ने गेट पर ही डिलीवरी कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात करेंगे कोरोना की। कोरोना का खौफ लगातार जारी है, रोज मामले बढ़ रहे हैं। गुजरात में सरकार ने दुर्गोत्सव पर भी कोरोना की वजह से ब्रेक लगा दिया है और ऐलान किया है कि इस बार सरकार दुर्गोत्सव नहीं कराएगी। इसके अलावा उमा भारती को भी कोरोना होने की खबर है। ये सारी खबरें देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। भारत में कोरोना वायरस के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 90,000 मामले सामने आए हैं। एक दिन में होने वाली मौतों का आंकड़ा भी 1100 से ऊपर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 88,600 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 1124 लोगों की जान भी गई है। देश में कोरोना के मामलों का आंकड़ा 59,92,533 हो गया है। इनमें 9,56,402 सक्रिय मामले हैं। 49,41,628 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या के बारे में बात करें तो अब तक 94,503 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना वायरस को लेकर खतरा और चिंता बढ़ती नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि संक्रमण की दर 1.57% बढ़ गई है। अगस्त में हर 100 टेस्ट में 7 पॉजिटिव मिले थे, जबकि अब 9 संक्रमित आने लगे हैं। आंकड़ों के अनुसार अगस्त में संक्रमण दर 7.24% थी। 1 से 25 सितंबर के बीच ये दर 8.8% रही। उधर कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने घोषणा की है कि इस वर्ष सूबे में नवरात्रि महोत्सव का आयोजन नहीं किया जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुष्टि की है कि सूबे में 1 अक्टूबर से जत्रा, प्ले, ओपन थिएटर, सिनेमा हॉल्स और सभी म्यूजिकल, डांस और मैजिक शो वाले स्थल खुलेंगे। हालांकि इन जगहों पर संचालन के लिए राज्य सरकार ने अधिकतम 50 लोगों की सीमा तय कर दी है, यानी वहां 50 से अधिक लोग नहीं आ सकेंगे। बीजेपी नेता उमा भारती कोरोना संक्रमित निकली हैं। वो हाल ही में पहाड़ की यात्रा पर गई थी। रविवार रात उन्होंने ट्वीट कर बताया कि सफर पूरा हो गया था। आखिरी दिन उन्हें हल्का बुखार आया था, जिसके बाद उन्होंने अपना कोविड-19 टेस्ट करवाया। भारती की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने इसके बाद खुद को क्वारंटीन कर लिया है, साथ ही खुद के संपर्क में आए लोगों से जांच करा आइसोलेट रहने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस किंग्स 11 पंजाब के मुकाबलों की बात करें तो अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 19 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से राजस्थान रॉयल्स ने 10 मैच में जीत दर्ज की है, तो वहीं किंग्स 11 पंजाब ने 9 मैच जीते हैं। दोनों के रिकॉर्ड बता रहे हैं कि इस मैच में बेहद कड़ी टक्कर होने जा रही है। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस किंग्स 11 पंजाब, एक ने 19 मैचों में से 10 जीते हैं तो दूसरे ने 9 जीते हैं, तो इस तरह से है एक कड़ी टक्कर दोनों के आंकड़ों को देखते हुए। और कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जिन पर की नजर रह सकती है, तो सबसे पहले बात करेंगे किंग्स 11 पंजाब की, जिनके सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज हैं कप्तान के एल राहुल, जो कि कप्तान भी है। कुल मैच इन्होंने 69 खेले हैं, 2130 रन बनाए हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा 132 रन है। औसत की बात करें तो 44 है और 2 शतक और 16 अर्धशतक इनमें शामिल है। 69 छक्के भी इनकी इन पारियों में शामिल है। इसके अलावा किंग्स 11 पंजाब की टीम में क्रिस गेल की वापसी के साथ ही सबसे ज्यादा नजर उन्हीं पर रहने वाली है। क्रिस गेल का रिकॉर्ड उन्हें बेहद खतरनाक बनाता है। गेल ने अब तक कुल मैच खेले हैं 125, जिसमें उनके कुल रन हैं 4484। क्रिस गेल के नाम एक पारी में सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड भी है। उनके सर्वाधिक रन हैं 175 नॉट आउट और गेल का एवरेज है 41 रनों का। आईपीएल में गेल ने 6 शतक और 28 अर्धशतक लगाए हैं और 326 छक्के भी लगाए हैं। 125 में 4484 रन, 175 जैसा इनका रिकॉर्ड, जिसमें की औसत 41 का बेहद शानदार इसे कहा जाएगा। और अब बात होगी राजस्थान रॉयल्स की, जिसमें कप्तान स्टीव स्मिथ पर सबकी नजरें रहेंगी। वो शानदार फॉर्म में हैं और अकेले के दम पर काफी कमाल कर सकते हैं। जी हाँ, काफी उन पर ज्यादा भरोसा है। मैच उन्होंने 82 खेले हैं, रन इसमें 2091 है, जिसमें की सबसे ज्यादा शतक यानी कि लगभग 101 रन है और औसत 38 का है, जिसमें एक शतक शामिल है और 9 अर्धशतक, 53 छक्के इसमें शामिल हैं। बेहद शानदार। और युवा बल्लेबाज की बात करें तो
शुभमन गिल के नाबाद अर्धशतक और पैट कमिंस की अगुवाई में गेंदबाजों के अनुशासित प्रदर्शन के दम पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने शनिवार को इंडियन प्रीमियर लीग के मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। सनराइजर्स पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 142 रन ही बना सकी और जवाब में केकेआर ने 2 ओवर बाकी रहते 3 विकेट खोकर 145 रन बनाए। गिल 62 गेंद में 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 70 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि मॉर्गन ने 29 गेंद में 42 रन बनाए जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। मैच के बाद केकेआर के कप्तान दिनेश कार्तिक ने शुभमन गिल की जमकर तारीफ भी की है। तो अब बात कल हुए मुकाबले की कर लेते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद 4 विकेट पर 142। मनीष पांडे की बात कर लेते हैं, 38 गेंद लेकर इन्होंने 51 रन बनाए। एंड्रयू रसेल की बात करें तो 16 रन इन्होंने दिए, 1 विकेट लिए, 2 ओवर इन्होंने गेंदबाजी की। डेविड वार्नर की बात कर लेते हैं तो 30 बॉल पर 36 रन। पी कमिंस की बात करें तो 4 ओवर इन्होंने गेंदबाजी की जिसमें 1 विकेट लिया और 19 रन दिए। कोलकाता नाइट राइडर्स के प्रदर्शन की बात करें तो 3 विकेट पर 145 रन, 18 ओवर इन्होंने खेला। शुभमन गिल की बात करें तो 62 गेंदों का सामना किया जिसमें 70 रन बनाए। और राशिद खान की बात करें इनके अगेंस्ट प्रदर्शन कैसा रहा तो 4 ओवर इन्होंने गेंदबाजी की जिसमें 25 रन देकर 1 विकेट झटके। और यन मॉर्गन की बात करें तो 29 गेंदों का सामना करके 42 रन। टी नटराजन की बात करें 3 ओवर गेंदबाजी, 27 रन देकर 1 विकेट। और इस तरह से प्रदर्शन है अभी तक के खिलाड़ियों का। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।